सो हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? स्वागत है न्यू वीडियो में गाइज। जय गुरु आप लोग दोस्तों। गाइज आज बेलडो में हम लोग वापस से हैं रायू सिटी में, और आज बेलडो में गाइज हम लोग करने वाले हैं वापस एक और न्यू मिशन, जिस मिशन को मैंने बहुत ज़्यादा हम लोग को ट्रैवल करना है, और अभी दूसरे सिटी में भी जाना है और बहुत सारे काम है। तो उससे पहले जिंदा चैनल पर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन का चैनल मिलेगा, उसे क्लिक कर कॉल सेट कर देना हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना गाइज, क्योंकि आपका हर एक लाइक से मुझे वीडियो से मिलता है पीसेस को लाइक कर देना, ठीक है गाइज। तो चलो मैं बताता हूँ होने वाला क्या है। तो गाइज आज मैंने को ना टिप्सन ने सुबह सुबह में कॉल करके बताया था कि मेरे जो ना एक बंदा मिला है जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकता है अपने जो बॉस ली है, जो अपना मेन विलन है, वो जो अपना दुश्मन बना बैठा है सिटी में, उसके अबाउट कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए मुझे सबसे पहले अपने इस दोस्त से बात करने जाना होगा। तो चलो सीधा इससे बात करते हैं, आ जाओ। हाय ब्रो, कैसा है भाई? बहुत दिनों बाद तेरे से मिल रहा हूँ, बट हाँ देख, मेरे को पता है तेरे को फील हो रहा है कि मैं जब भी काम पड़ता है तभी आता हूँ, बस बट देख दोस्त, मुझे कुछ काम है। तो टिप्सन ने तेरे को जो बताया था मेरे को बता दे, फिर आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? चल देख रो पीरो, एक बंदा है जो तेरे को ना बॉस ली के अबाउट में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बट उसके लिए तुझे कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम है कि तेरे को जाना पड़ेगा वेगास क्राइम सिमुलेटर में, और वहां से दो गाड़ियां लेके आनी पड़ेगी जिसका इन्फॉर्मेशन तेरे को वहां के सीमोन दे देगा। तो चल बाद में बात करते हैं, बाय। ठीक है भाई, चलो बाद में बात करते हैं, लेट्स गो गाइज। मैंने हेलीकॉप्टर ले लिया है अपने दोस्त से, और अभी मेरे को निकलना है सीधा ही वेगास क्राइम सिमुलेटर की तरफ। और ये देख सकते हो गाइज, मैं यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था, बट हाँ नलबाजी बाद में करते हैं गाइज। सीधा निकलते हैं हम लोग वेगास क्राइम सिमुलेटर के लिए, बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब उस जो बंदा है जो मेरे को बॉस लेके आउट में इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उसको दो गाड़ियाँ चाहिए अपने वेगास क्राइम सिमुलेटर से, और मेरे को पता नहीं वो दोनों गाड़ियाँ कौन कौन है। तो मेरे को जाना होगा सीमोन से बात करना होगा, और वो सीमोन मेरे को इन्फॉर्मेशन दे देगा उन दोनों गाड़ियों के बारे में। तो सीधा ही वेगास क्राइम सिमुलेटर के लिए हम लोग निकलते हैं, और देखो गाइज चलो सीधा ही वेगास क्राइम सिमुलेटर चलते हैं, और फिर आप लोग से बात करते हैं। बाय रायू सिटी, में तेरे से कुछ दिनों बाद वापस आता हूँ, बाय। चलो गाइज मैं आ चुका हूँ अभी वेगास क्राइम सिमुलेटर में, और भाई बहुत टाइम लग गया मेरे को आने के, मैं यहाँ पे, और भाई लिटरली इतने दिनों बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मजाक से हट के भाई बहुत टाइम हो गया है वेगास क्राइम सिमुलेटर में हुए। तो देखो गाइज मेरे को सबसे पहले सीधा ही चलना है सीमोन के पास, और फिर वो मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन सी दो गाड़ियाँ हैं जो मुझे ले जानी है अपने उस नल्ले दोस्त के लिए, जो नल्ला दोस्त नहीं भाई, वो इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा जो है। अब देखो गाइज मेरे को यहाँ से गाड़ियाँ ले नहीं जानी है, बस मेरे को वो एक दो जो गाड़ियाँ हैं मेरे को वो स्टोल करनी है, और वो दोनों स्टोलन कार को मेरे को उसके मतलब एक एक्सपोर्टिंग वाला जगह है, बस वहाँ ले जाके मेरे को दे देना है, और वो गाड़ी पहुँचा देगा रायो सिटी में। अब आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मैं आप लोग को आगे समझाता हूँ। सबसे पहले इस गाड़ी को मेरे को लैंड करना है, गाड़ी क्या बोल रहा हूँ, हेलीकॉप्टर को लैंड करना है इस हेलीपैड पर। और देखो गाइज आप लोग सोच रहे हो कि आपका हेलीकॉप्टर कैसे चेंज हो गया, तो देखो गाइज अपने वेगास क्राइम सिमुलेटर में और जो भी कोई भी अलग अलग सिटी है वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर जो है परमिटेड नहीं है, तो मेरे को हेलीकॉप्टर चेंज करने पड़ते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो समझा करो कभी कभी अगर कोई चीज़ परमिटेड नहीं है तो मैं गवर्नमेंट के ऊपर तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो सबसे ऊपर गवर्नमेंट होती है, तो यस मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जो गाइज ये जो घर है, जो ये वाला जहाँ पे मैंने अभी अपने हेलीपैड के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारा है कुछ टाइम पहले, इसको सीमोन ने बाई कर लिया था, वैसे वो रहता अपने ओल्ड ही घर पर है, बट हाँ इसको उसने बाई कर लिया था। अब वो कभी कभी आता है या नहीं आता है मेरे को नहीं पता, बट अभी हम लोग उसको फ्यूचर में देखेंगे। अभी सीधा चलते हैं यहाँ से, जंप मारते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट जंप मारता तो। और देखो गाइस ये मेरे को टिप्सन ने एक गाड़ी, टिप्सन क्या बोल रहा हूँ, सीमोन ने एक गाड़ी दी है मेरे को, साइमन होता है वैसे तो उसका, बट हाँ जाने तो सीमोन ही बोलेंगे हम लोग उसको अभी के लिए। ठीक है अभी तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी सीधा चलते हैं सीमोन के पास, और देखते हैं वो दोनों कौन सी गाड़ियाँ हैं जिसका मेरे को आज काम तमाम करना है, तो उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और उसके बाद बात करते हैं आप लोग से। सीधा चलते हैं अभी हम लोग भी अपने सीमोन के पास, लेट्स गो। अभी पता नहीं यार गाइज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा गाड़ी यार कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया, बट मेरे को सबसे पहले इस गाड़ी को यहाँ पार्क कर देते हैं, बिकॉज ये नल्ला भाई फिर बोलेगा गाड़ी ऐसे टेढ़ी करके क्यों जा रहा है,
गाड़ी सीधे करते, उससे बढ़िया गाड़ी पहले ही सीधे कर देते हैं। लेट्स गो गाइस, मैं उतर चुका हूँ, सीधा चलते हैं टिप सिमोन के पास और इससे बातें करते हैं। हाय सिमोन, कैसा है भाई, बहुत दिनों बाद मिलने आया हुआ है। बट हाँ, जो इन्फॉर्मेशन दिए ना है भाई, फटाक से दे दे, मैं तेरे से आज फुल डे बात करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद एक काम करने के बाद बात करते हैं, ठीक है? चल इन्फॉर्मेशन दे फटाक से, न ले। हाय रोपीडो भाई, कैसा है, मैं तेरे से बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, बट अभी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बाद में हम लोग बातचीत करते रहेंगे, बिकॉज अभी तो तू रुकने वाला ही है यहाँ पे। तो देख, पहली जो गाड़ी है ना, वो एक लिमोजिन है वाइट कलर की, जो कि तेरे को छुड़ानी पड़ेगी जब वो गाड़ी ड्राइव हो रही होगी। तो ये थोड़ा सा हार्ड काम है, बट तेरे को ये करना पड़ेगा। और जब वो गाड़ी ले लेगा ना तू, तो उसको शिपिंग वाले एरिया पे लगा देना, वहाँ से वो गाड़ी एक्सपोर्ट होकर चली जाएगी। और उसके बाद आज नहीं, 2-3 दिन बाद तू ना दूसरी गाड़ी स्टॉल करेगा, वरना तेरे पे ऊपर शक आ जाएगा, ठीक है? चल ठीक है टिप्सन भाई, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। तो देखो गाइस, टिप्सन सही तो बोल रहा है कि अगर मैं कॉन्टिन्यूसली गाड़ी चोरी करता तो मेरे ऊपर शक आ जाता, और मैं जस्ट नया नया आया हूँ सिटी में, और मेरे ऊपर वापस ये लग गया तो भाई फिर अरे यार, वापस भी जाने को नहीं मिलेगा, और फिर जो अपना आर्टिका वाला है वो फिर खतरे में आ जाएगा। तो देखो गाइस, मेरे को भी एक गाड़ी सबसे पहले स्टॉल इन करनी है, स्टॉल करनी है मतलब चोरी करनी है, एक लिमोजिन जो कि वाइट कलर में है, और वो एक रॉयल कार है, तो वो गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं भागती है, वो गाड़ी सिर्फ शो ऑफ टाइप के लिए है, बिकॉज उसके अंदर डायमंड वायमंड से है, गोल्ड प्लेटेड है, जो कि इनसाइड के ऊपर है, बाहर से वो वाइट कलर के दिखती है, बट हाँ इनसाइड में वो गोल्ड प्लेटेड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, और मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब $1 million के आसपास की वो कार है, जो कि एक लिमोजिन है भाई। मैंने तो $1 million की कार, यप भाई, शौक क्या क्या होता है बंदों के। बट अगर हम लोग को उस गाड़ी को चुराना पड़ेगा उस बंदे से, और जो अपना बंदा है जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है हम लोग को, उस बंदे के पास उस लिमोजिन को लेके जाना है। तो चलो अभी उस लिमोजिन को देखते हैं कि कब वो अपने घर से निकलेगी, और मेरे जब वो रास्ते में चल रही होगी तभी चोरी करना पड़ेगा। बिकॉज गाइज, अब मैं उसके घर से उठाएंगा तो उसके घर पे ना बहुत ही ज़्यादा Z+ सिक्योरिटी है उस कार के लिए। तो और जब वो रास्ते में चल रहा था तो उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी होता है, और जो भी उसका ड्राइवर भी है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कब वो गाड़ी अपने घर से निकलेगी। लेट्स गो गाइज, अभी मैं बहुत देर से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और मेरे को सिमोन ने कॉल करके बताया कि वो गाड़ी घर से निकल चुकी है। और देख लो गाइज, ये रही अपनी वो लिमोजिन, अभी सामने पुलिस वाले बंदे हैं तो अभी क्या बोलूँ। ओके ठीक है, ये उधर के साइड चला गया, गुड है, बहुत बढ़िया हुआ कि पुलिस वाले के सामने से निकल गया। वैसे इसके पास अभी एक साथ ना भाई, इसके साथ वो होगा और सामने एक पुलिस वाला है, तो इसकी भैंस की लकड़ी जो होगी सो देखी जाएगी। सबसे पहले अभी गाड़ी यहाँ से उठाते हैं। ओके तो देखो गाइज, ये वाला जो बंदा है ना, इसके पास एक ड्राइवर भी है, और वो देखो भाई अभी उसने गन निकाल लिया और मेरे ऊपर 1 स्टार पुलिस भी आ चुका है। तेरी इसकी भैंस की लकड़ी, भागना पड़ेगा गाइज, अभी आगे पीछे सारे तरफ से पुलिस वाले आएंगे, बिकॉज भाई ये ना बहुत ही ज़्यादा वो वाली कार है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार है भाई, लेकिन देखो बहुत स्लो भागती है यार, बहुत ज़्यादा स्लो। अब ये डैमेज वैमेज होगी मेरे को पता है, इसको तो रिपेयर करवा लेगा वो बंदा, बिकॉज बाहर से भाई जितना कम डैमेज हो सके मेरे को उतना कम डैमेज करना है भाई, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। पता नहीं आज मेरे को इस गाड़ी को कहाँ कहाँ ड्राइव करना पड़ेगा, बट देखते हैं भाई, हट जा भाई, ठोक दूंगा आज, लेके भागते हैं गाइस सीधा इस गाड़ी को। अभी मेरे ऊपर 2 स्टार पुलिस लग चुके हैं, बिकॉज जो ड्राइवर था ना उसको ही मैंने ठोक दिया था, मतलब परमानेंट ठोक दिया। वो भाई क्या पुलिस वाले क्या गाड़ी रगड़ रहे भाई, पूरी गाड़ी डैमेज करने पे लगे यार, मत करो भाई, बहुत एक्सपेंसिव है भाई, वरना वो बंदे मेरे को इन्फॉर्मेशन तो देंगे गाइस, वरना मैं भी अपने पैतरे लगा सकता हूँ। बट गाइस मैं तो गाड़ी चोरी करके उसको दे रहा हूँ, सो थोड़ा सा समझा करो गाइस, अभी वहाँ पे भी अब फंस सकते हैं हम लोग अगर, और इसने बोल दिया कि इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, तो फिर मैं एट द एंड ऑफ द मैं उसको ठोक दूंगा। बट अभी के लिए देखते हैं, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा सही है, और इस लिमोजिन को सबसे पहले भगाते हैं और पुलिस से पीछा छुड़ाते हैं। चलो लेट्स गो, फोकस करते हैं भाई, बहुत बहुत सारे पुलिस वाले पीछे पड़े हुए यार, निकलना पड़ेगा। रुको अब मैं ना सी साइड में गाड़ी को निकाल ले रहा हूँ,
बिकॉज़ अभी मेन रोड पे मैं चलता रहूँगा तो बार बार पुलिस वाले एरिया में आता रहूँगा और पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ते रहेंगे, तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ थोड़ा सा। ओ नो भाई, दो दो पुलिस वाले, बहुत सारे पुलिस वाले यार। भाई ये लिमोजिन बहुत ज़्यादा महंगी है भाई, फुल बेगाज क्राइम सीन रोड के जितने भी पुलिस हो गए भाई सबको पता चल गया होगा अभी तक तो। यार ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊँ भाई ब्रोज, अब जो कि से देखी जाएगी। ऑफ रोडिंग करूँगा मैं इस गाड़ी से भाई, लिमोजिन से भाई ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, देख रहे हो मेरे अंदर कितने ज़्यादा गट्स आ गए हैं अब भाई। मजाक से हट के ब्रो, आर्टिका के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, बट हाँ देख लो गाइस यही होता है जब आप किसी से, छोड़ो जाने दो, आगे बढ़ते भी हम लोग अभी अभी गाड़ी पे ध्यान देते हैं, बाद में हम लोग बातें करेंगे। सिमोन से भी बहुत सारी बातें करनी है और इसके बाद भी एक और कार है जिसको मेरे को भी स्टोलन करना है भाई। मेरे को ना अभी लेफ्ट जाना था बट मैं अभी सीधा जा रहा हूँ बिकॉज दो तो पुलिस वाले, गाड़ी बहुत गंदी डैमेज हुई थी बट मैंने उसको रिपेयर कर दिया अभी के लिए। और यहाँ से गाइस प्लान होता है बी स्टार्ट, मेरे को गाड़ी साइड में लगानी है और एक लिमोजिन सामने से आएगी जो कि इसी की कॉपी है बट रियल नहीं है वो लिमोजिन, जो कि प्लान बी था मेरे पास। और ये देखो गाइस अब वो आएगा और पुलिस वालों को लगेगा कि वो वाला जो लिमोजिन है वो मेन लिमोजिन है और मेरे को बस थोड़ी देर वेट करना है, जिसके बाद पुलिस वालों को लगेगा वो लिमोजिन है, उसके पीछे करेंगे ये लोग और मेरे ऊपर से स्टार पुलिस हट जाएगी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। मजाक से हट गया ब्रो, बहुत ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि पुलिस मेरे पीछे नहीं रहेगी तो मैं फटाक से गाड़ी को वहाँ पे यार्ड पे ले जाकर लगा दूंगा और उसके बाद अपना पीछा छूट जाएगा, ऑलरेडी पुलिस वाले हट चुके हैं। तो भाई मैंने जो प्लान बी बनाया था वो मैंने आप लोग को बताया नहीं बिकॉज ये एक सीक्रेट, मेरे को लगा नहीं था ये प्लान बी मेरे को यूज करना पड़ेगा, बट हाँ प्लान बी भी यूज करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये रास्ता इसलिए मैंने चूज किया था कि इसको पता चल जाए कि इधर आ रहा हूँ मैं, तो फिर अब देखना है गाइस कि कोई पुलिस वाले को मैं ऑफेंड ना करूँ या कोई पुलिस वाले को शक ना हो, बिकॉज लिमोजिन तो है ये सेम वैसे ही बट हाँ इसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट इंटीरियर के लिए आउटरियर मतलब बाहर के लिए तो सब नॉर्मली दिखता है ये भी। और जो जस्ट राइट लेफ्ट साइड में मेरे एक वो है शिपिंग यार्ड, मेरे को बस यहाँ पे ले जाके गाड़ी लगा देनी है और उसके बाद अपना पीछा छूट जाएगा इस गाड़ी से। बट अभी के लिए मेरे सामने एक पुलिस वाला है, अगर किसी को भी मैंने गलती से ठोक दिया तो भाई वो बंदा उतरेगा और मेरी लिमोजिन भी ले जाएगा मेरे से और फिर जेल भी जाना पड़ेगा मेरे को, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो लेट्स गो, अभी हम लोग करते हैं राइट में लेके चलते हैं गाड़ी और भाई गेट तो खोल देते यार कम से कम इस लिमोजिन से। चलो कोई दिक्कत नहीं, खोल दिया भाई मैंने लिमोजिन से थोड़ी सी। अब देखो गाइस यहाँ पे एक कंटेनर है जो कि इसके अंदर मेरे को गाड़ी को लगाना पड़ेगा और भगवान करे कि डैमेज ना हो भाई ये ज़्यादा गाड़ी, बिकॉज अभी इससे अब देखो गाइस मैंने एक रिपेयर तो कर दिया है, अगर मैंने दूसरा रिपेयर किया तो भाई गाड़ी में बहुत ज़्यादा वो रिपेयरिंग आप लोग ना वो उस पर ध्यान नहीं देते, ज़्यादा निगेटिव नहीं करते अपने आप को, पॉजिटिव रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी सीधी गाड़ी लगा देते इसके अंदर भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी कंटेनर दिया है भाई इन्होंने वरना दिक्कत हो जाती है यार। ओके तो बहुत बड़ी लिमोजिन है, सो ठीक है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इस गाड़ी को। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी आगे कर देता हूँ, मेरे को जहाँ तक लग रहा है थोड़ी सी आगे बनती है बस, इतना काफ़ी है। और अभी उतर जाते हुए हम लोग इस गाड़ी के अंदर से थोड़ी सी बैक कर दिए। ओके तो गाइस मैंने अभी इसको लगा दिया है यहाँ पर और ये देख सकते हो अभी ये जो लिमोजिन है वो सिप होके चली जाएगी और इस वापस अपने ड्राइव सिटी में। और जो नेक्स्ट कार है गाइस जिसको मेरे को अभी चुड़ाना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चुड़ाएंगे, जो कि जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, क्योंकि देखो गाइस अभी एक वीडियो में अगर मैंने अभी बोला ना जैसे टिप्स सिमोन ने कि अगर मैं एक साथ लगातार अगर दोनों गाड़ियाँ चुड़ाऊँगा तो फिर मेरे ऊपर शक आ जाएगा और फिर दिक्कत हो सकती है। तो भाई देख जो ये गाड़ी मैंने अभी आकर लगाई है उसको सही सलामत रहियो क्राइम सिटी पहुंचा देना, वरना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइस अभी जो गाड़ी है ये पहुंच जाएगी, मेरे को पता है क्योंकि अच्छा बंदा है। सो आई होप सो गाइस आप लोगों को पसंद आएगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल बनाओ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय या गाइस।